हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका और आज इस वीडियो में हम बनाएंगे ये केपल डिज़ाइन। ये देखिए बहुत ही सुंदर लगता है, आप इसको किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, इवन जेंट स्वेटर, कार्डिगन या फिर बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दिखने में काफ़ी सुंदर है, बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा सरल है। तो बेसिकली ये 8 फंदों का डिज़ाइन है और ये 8 रो में ही बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये इसका फ्रंट पार्ट है इस तरीके से, और ये देखिए इसका बैक पार्ट है। तो चलिए हम अपना डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। तो सैंपल के लिए मैं यहाँ पर 16 फंदे डालूंगी। आप फंदे डालने का कोई भी तरीका अपना सकते हैं। तो निडल जो आप इसमें यूज करेंगे वो आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से यूज कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर इस डिज़ाइन को 9 नंबर निडल पर बना रही हूँ। तो हम इसमें टोटल 16 फंदे मैं अभी आपको डाल कर दिखा रही हूँ। तो आप जो भी बनाए वो 8 के मल्टीपल में फंदे डालेंगे, प्लस 2 फंदे वो होंगे जो हमारे एज स्टिचेस के रूप में यूज़ करेंगे हम। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 18 फंदे होंगे। तो देखिए, फर्स्ट रो पहला फंदा इस तरीके से स्लिप कीजिए, फिर एक फंदा उल्टा बनाइए, इसके बाद में आपको 6 फंदे सीधे बनाने हैं। तो इस तरीके से हम निडल डालेंगे और 6 फंदों को सीधा बनाएंगे। तो इससे पहले, डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले, अगर आप कोई बॉर्डर बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। बेसिकली डिज़ाइन यहीं से शुरू होता है, तो मैं इसको यहीं से बना रही हूँ। फिर देखिए, 6 फंदे सीधे बनाने के बाद में एक फंदा उल्टा बनाया। तो जो हमारा पैटर्न है वो सिर्फ इन 8 फंदों का ही है, जहाँ से हमने एक फंदा उल्टा, 6 सीधे और एक फंदा बाद में उल्टा बनाया था। तो आपको जो भी आप बनाएं, जो भी 8 के मल्टीपल में फंदे लेंगे, उसमें आपको फर्स्ट रो में यही 8 फंदे फिर से रिपीट करने हैं। तो देखिए, फिर से रिपीट मैं एक बार और करके दिखा रही हूँ। फिर से एक फंदा उल्टा बनाया, फिर 6 फंदे हम सीधे बनाएंगे, ये देखिए 6 फंदे सीधे बना लिए। अगेन एक फंदा जो हमारा पैटर्न का ही है उसको उल्टा बनाया, और ये जो एज वाला है इसको हमने, जो 2 पैटर्न के अलावा 2 एक्स्ट्रा फंदे लिए थे, ये वो है लास्ट में, इसको थर्ड पीछे करके सीधा बना दीजिए। तो ये जो थी ये हमारी फर्स्ट रो थी। सेकंड रो में क्या करना है, या जो भी आपकी रॉन्ग साइड रो होंगी तो उसमें आपको करना है, जो फंदे आपको जैसे दिख रहे हैं उनको वैसे ही बनाना है। तो देखिए, पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर यहाँ पर हमें पहला फंदा देखिए उल्टा दिख, सीधा दिख रहा है, तो इसको हम सीधा बनाएंगे। अगेन देखिए उल्टे फंदे दिख रहे हैं, उल्टे बनाएंगे 6 फंदे। तो जैसा कि मैंने बोला कि जो भी रॉन्ग साइड रो में जो भी फंदे आपको जैसे दिखेंगे, आपको एज इट इज़ उनको वैसे ही बनाना है। तो इस तरीके से आप रॉन्ग साइड बनाकर कंप्लीट कीजिए। और यहाँ पर देखिए, ये मेरा एज वाला है, इसको भी सीधा बना देंगे और एक टाइट कर दीजिए। तो ये हो गई रो 2। रो 3 में देखिए क्या करना है, अगेन आपको यही दोनों रो 4 बार और रिपीट करनी है। मतलब हमारे पास टोटल ये 6 रो हो जाएंगी इन दोनों को मिला के। तो आप 4 बार इनको और रिपीट कीजिए, मतलब टोटल 4 रोज। तो देखिए, अभी तक हमारे पास टोटल 6 रोज हैं यहाँ पर। तो अब हमें क्या करना है, 7th रो में आपको टर्निंग करनी है। तो देखिए, ये जो फंदा दिख रहा है इसको हम, जो उल्टा बनाया था, आप चाहो तो इसको उल्टा भी बना सकते हो। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर इसको सीधा बना रही हूँ। तो ये देखिए सीधा बनाया, फिर क्या करना है, देखिए ये जो 6 फंदे हैं सीधे वाले, इनको आप इस तरीके से निकाल दीजिए निडल में। फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये जो फर्स्ट के 2 फंदे हैं, पहले 2 फंदे हैं 6 फंदों के, इनको आप बैक में करते हुए
आप अपने लेफ्ट हैंड साइड नेडल में ले लीजिए। फिर राइट नेडल से इन चारों फंदों को इस तरीके से पकड़ लीजिए, तो आपके पास कुछ इस तरीके का पोजीशन होगा। इसके बाद में क्या करेंगे आप, ये वाले जो दो फंदे हैं जो हमने चार चढ़ाए हैं, तो इसमें से दो फंदे हम यहाँ पर चढ़ा देंगे और इन दोनों फंदों को किसी दूसरी नीडल में आप ले लीजिए इस तरीके से। तो देखिए अब क्या करना है, हम लेफ्ट नीडल से दो फंदे बनाएंगे जो हमने चढ़ाए थे। ये देखिए दो फंदे इस तरीके से बना लीजिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम फ्रंट नीडल में जो हमने केबल नीडल में ये डाल के रखे हैं, इसमें से इन दो फंदों को बनाएंगे। तो इस तरीके से आप इनको सीधा बनाते हुए, ये देखिए सीधा बना लिया। फिर ये जो छह फंदे के दो पार्ट और हैं, इनको भी दो फंदों को और बना देंगे, ये देखिए। जैसा कि मैंने बोला था कि इस सेवंथ रो में अगर आप इन दो फंदों को अगर उल्टा बनाना है तो आप उल्टा ही बनाकर कंप्लीट कीजिए। तो मैं यहाँ पर इनको सीधा बना रही हूँ, क्योंकि मैंने जो नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने कैप बनाया है उसमें मैंने इनको सीधा बनाया हुआ है, तो सेम पैटर्न मैं यहाँ पर इसको फॉलो कर रही हूँ। तो देखिए ये इतना हो गया। इसके बाद में देखिए फिर से नेक्स्ट जो आ रहा है छः फंदे, उसमें हमें टर्निंग करना है। तो देखिए क्या करना है, आपको छः फंदे इस तरीके से आप निकाल लीजिए। ये देखिए छः फंदे हमने निकाल लिए हैं। फिर जो ये पहले वाले दो फंदे हैं एक दो, इनको पीछे से निडल डालते हुए इस तरीके से चढ़ा लीजिए। चढ़ा लिया हमने। फिर राइट निडल से इन चारों फंदों को सावधानी से ले लीजिए, उसमें से दो फंदे हम वापस लेफ्ट नीडल में चढ़ा देंगे और जो दो फंदे बचे हैं उनको किसी दूसरी नीडल में या फिर केबल नीडल में ले लीजिए और उसको आगे होल्ड कर दीजिए, मतलब अपनी तरफ फ्रंट में। अब क्या करना है, दो फंदे हम जो हमारी लेफ्ट नीडल में है इसमें से दो फंदे सीधे बनाएंगे, सीधे बना लिए। नेक्स्ट क्या करना है, जो फंदे हमारे सामने हैं या फिर जो दूसरी नीडल में उसमें से दो फंदे बनाएंगे, ये देखिए ये फंदे मैंने बना लिए। फिर आप बाकी के दो बचे हुए फंदे भी इसी में सीधा ही बनाते हुए कंप्लीट कीजिए। और जो फिर से देखिए, जो अगर आप ये जो उल्टे फंदे दिख रहे हैं इनको उल्टा बनाना है तो आप उल्टा बनाइए, अदरवाइज आप सीधा बनाइए, क्योंकि मैंने नेक्स्ट वीडियो जो कैप बनाया है वो सीधा बनाया है यहाँ पे, तो उसको मैं ऐसा ही बना रही हूँ। तो ये देखिए सेवन्थ रो हमारी कंप्लीट हो गई है यहाँ पर, और देखिए आपको ये टर्निंग कुछ इस तरीके से दिख रही होगी। तो देखिए वापस से एट्थ रो या फिर रॉन्ग साइड में जो फंदे हमें जैसे दिख रहे हैं उनको वैसा ही बनाएंगे। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे सारे फंदे मेरे पास यहाँ पर उल्टे हैं तो मैं उल्टा ही बनाऊँगी। तो अगर आप सेवन्थ रो में उल्टे फंदों को उल्टा बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर बैक साइड में या फिर एट्थ रो में आपको उनको सीधा बनाना होगा। तो मैंने उनको सेवन्थ रो में सीधा बनाया है, इसलिए मेरे पास यहाँ पर सभी रोल फंदे उल्टे हैं, तो मैं इसको उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर रही हूँ। तो इस तरीके से ये देखिए आठ फंदों का डिज़ाइन और आठ रो में बनकर तैयार है। ये एज वाला है, इसको सीधा बना लेंगे। तो ये देखिए हमारा डिज़ाइन बन गया है। तो आप जो भी प्रोजेक्ट बनाएं आपको यही आठ रोज बनाकर तैयार करना है। तो इस तरीके से आपको जितना बनाना है आप इन्हीं को रिपीट करते हुए जाइए और आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने आठ फंदों का ये देखिए डिज़ाइन बनाया है, तो उसका रिपीटेशन देखिए आठ में, हर आठ फंदों का देखिए और आठ रोज में बनकर इस तरीके से दिखता है। तो अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया हो और बताने का तरीका पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए
ताकि आपको आने वाले समय में नए नए वीडियोस इसी तरीके से मिलते रहें। थैंक यू।